नमस्ते मीडिया, सदा खुश रहो मीडिया। माइसेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। टुडे वी डिस्कस अबाउट दंती। दंती बॉटनिकल नेम इज बैरियोस्पर्मम मोंटेनम एंड फैमिली इज यूफोरबियासी फैमिली। दंती बिलोंग्स टू यूफोरबियासी फैमिली। यू शुड लर्न बोथ द नेम्स, बॉटनिकल नेम एंड फैमिली नेम। बॉटनिकल नेम बैरियोस्पर्मम मोंटेनम एंड फैमिली इज यूफोरबियासी। कुल इज अरंड कुल, गण चरक, विरेचन गण के अंदर रखा है और मूलिनी द्रव्यों के अंदर दंती का वर्णन किया। सुषुप्त ने अधोभाग के अंदर और शामादि गण के अंदर दंती को रखा है। हिंदी में अपन इसे दंती के नाम से ही जानते हैं। नाउ लेट्स द पर्याय एंड इट्स मीनिंग। फर्स्टली, दंती ए वेरी यूजफुल ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉट डिजीजेस। व्हेन द रूट इज यूज्ड एज ए ब्रश, इट गिव्स ब्राइटनेस और शाइनिंग टू द टीथ। रूट्स आर लाइक एलिफेंट टस्क, सो इट इज कॉल्ड दंती। विशल्या विशोधनी, द रूट्स यूज्ड एज पर्गेटिव, सो इट इज कॉल्ड विशल्या और विशोधनी। उदुम्बर पर्णी, द लीव्स आर लाइक उदुम्बर्स लीव, सो इट इज कॉल्ड उदुम्बर पर्णी। एरंड फला, द फ्रूट्स आर लाइक एरंड फ्रूट, सो इट इज कॉल्ड एरंड फला। शीघ्रा, द एक्शन इज वेरी फास्ट, सो इट इज कॉल्ड शीघ्रा। घुण प्रिया, एज द एक्शन इज वेरी फास्ट, इट इज लाइक बाई फिजिशियन और द रूट इज लाइकली टू बी इंटरेस्टेड बाई फंगस, सो इट इज कॉल्ड घुण प्रिया। निकुम, द फ्रूट्स हैज द शेप ऑफ ए पॉट, सो इट इज कॉल्ड निकुम। चित्रा, द सीड्स आर मोटल। शंबर, ए होल, सेम पर्गेटिव। एंड एरंड पत्रिका, द लोअर लीव्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ एरंड, सो इट इज कॉल्ड एरंड पत्रिका। मधु पुष्पा, द फ्लावर्स विद फुल ऑफ नेक्टर, सो इट इज कॉल्ड मधु पुष्पा। उपचित्रा, द सीड्स हैव मॉटर्न अपीयरेंस, सो इट इज कॉल्ड उपचित्रा। दीज आर द सिनोनिम्स एंड इट्स मीनिंग। नाउ वी सी मेन फीचर्स अकॉर्डिंग टू सिनोनिम्स। फर्स्टली, ए लीफ, लीफी अंडरस्ट्रफ, अपर लीव लाइक दोज ऑफ उदुम्बर, वाइल द लोअर वंस सिमिलर टू दोज ऑफ एरंड। द फ्लावर्स विद फुल ऑफ नेक्टर, द फ्रूट्स रिजेंबल लाइक ए पॉट, दोज ऑफ एरंड विद मोटल सीड्स। द रूट्स आर लाइक एलिफेंट टस्क, द रूट्स आर वेरी फास्ट एक्टिंग पर्गेटिव। भेद वेराइटीज, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश निघंटू, टू वेराइटीज हैव बीन मेंशन्ड। फर्स्ट इज लघु दंती, सेकेंड इज बृहद दंती। भाव प्रकाश ने दो ही बताई हैं, लघु दंती और बृहद दंती। लघु दंती इज कॉमनली यूज एज दंती एंड आइडेंटिफाई एज बैरियोस्पर्मम मोंटेनम। केदेव निघंटू मेंशन टू वेराइटीज, दंती एंड द्रवंती। इन चरक संहिता नागदंती हैज बीन मेंशन्ड। ठीक है, तो भाव प्रकाश ने तो दो बताई, लघु दंती और बृहद दंती। केदेव निघंटू है वो कह रहे हैं कि दंती और द्रवंती दो भेद हैं और चरक संहिता ने एक नागदंती का वर्णन और आया है। हैबिटेट, उत्पत्ति स्थान, डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिहार, बंगाल, नागपुर एंड असम। हैबिट, स्वरूप इसका ए लीफी स्टाउट, यूजली मोनोसियस, अंडरस्ट्रफ 0.9 to 1.8 meters, हाई विद हर्बेसियस ब्रांचेस, इज फ्रॉम द रूट ग्लैबरस, एक्सेप्ट द यंग शूट्स एंड समटाइम्स द लीफ बैनर। लीव साइनुएट टूथ, द अपर स्मॉल लेंसुलेट पेरिनर्व, द लोअर लार्ज रीचिंग 15 to 30 centimeters लॉन्ग एंड ऑफन एज ब्रॉड। ओवेट, ऑफन पाल्मेटली 3 to 5 lobes, बेस राउंडेड और क्यूनेट। टू ग्लैंडुलर पेटियोस 5 to 15 centimeters लॉन्ग, स्टिप्यूल्स ऑफ टू ग्लैंड्स, फ्लावर्स इन न्यूमरस एक्सिलरी रेसिम्स और कॉन्ट्रैक्टेड पेनिकल्स, ऑल मेक और विद ए फ्यू फीमेल्स बिलो। मेल फ्लावर्स कैलिक्स ग्लोबोस 2.5 mm लॉन्ग, 4 to 5 parted, ग्लैबरस एंड स्लाइटली प्यूबेसेंट। सेगमेंट, सब ऑर्बिकुलर, कॉन्केव, इम्ब्रेकेंट, मेम्ब्रेनस, फाइनली मोटल्ड, डिस्क ऑफ 6 glands, स्टेमेंस अबाउट 20, फीमेल फ्लावर्स, सेपल्स, ओवेट, लेंसुलेट, pubescent, not acrescent in fruit, disc 2.5 mm, diameter, thin anther, ovary, hairy, style about 1.5 mm long, thick to parted, dull red, the stigmatic surface smooth, not pin fibrate, capsule 8 to 13 mm long, obovate, usually hairy of 3 to 2 valved crustaceous foci, seed 8 by 5 mm, ellipsoid, quite smooth, mottled.
उपयुक्त अंग और पार्ट यूज ऑफ दंती हैज मूल बीज एंड पत्र. डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट हार्ड सिलिंड्रिकल पीसेज ऑफ रूट समवॉट ट्विस्टेड और समटाइम्स कर्नल अप टू 2 centimeters इन डायमीटर. आउटर सरफेस इज ग्रेइश ब्राउन इन कलर स्मूथ और फाइनली स्ट्रेटेड longitudinally and bearing small warty protuberances at some places. The bark peels off easily, exposing a highly fibrous tissue. A transversely cut portion shows a thin bark and a undifferentiated, mainly white surface with a minute pore in the center. Fractures, fiber, odor, pungent, taste bitter. And the properties of danti: rasa is kattu, virya is ushna. गुण तीक्ष्ण सर एंड लघु. गुण इज तीक्ष्ण सर एंड लघु. विपाक विपाक इज कटु. दोष कमता कपवात शामक इसकी दोष कमता है. रोगन कमता फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस. सर अग्निदीपक सर है मतलब मलों को बाहर निकालने वाला है, दोषों को शरीर से बाहर निकालने वाला है. अग्निदीपक एपेटाइजर का काम करता है. अर्शोग्न पाइल्स के अंदर अच्छा वर्ग है. शूलग्न वेदना को दूर करेगा. रक्त विकार है, ब्लड डिसऑर्डर्स में यूज होगा. कंडुग्न ईचिंग को दूर करेगा. पुष्टग्न स्किन डिसऑर्डर्स में यूज होगा. दाहग्न बर्निंग सेंसेशन है, इसको ख़त्म करेगा. रक्त पित्तग्न किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, चाहे ऊर्ध्वभाग से हो चाहे अधोभाग से हो, उनको दूर करेगा. कफग्न कफ से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनके प्रॉपर फंक्शन करेगा. शोथग्न जो इंफ्लामेटरी कंडीशन हैं या एडिमा है कहीं पे उनको दूर करेगा. उदर रोग हर ठीक है, उदर से संबंधित जो भी व्याधियां हैं उनको दूर करेगा. कृमियों पे फंक्शन करेगा. कृमिग्न है एंड ज्वरग्न है. एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर ठीक है. रेचन जैसे कि इसका गुण बताया गया है कि इसकी मूल है वो तीव्र रेचक है ठीक है. गुलमग्न गुलम अगर बनता है तो उसको भी ये दूर करेगा. आधमान है टेम्पेनाइटिस वाली कंडीशन है उसको दूर करेगा. यकृत उत्तेजक है ठीक है. लिवर डिसऑर्डर में भी फंक्शन है इसका. आमिक प्रयोग थेरेपेटिक यूजेज देखिए इसके. तो दंती तेल इज विरेचक. दंती का जो तेल है वो क्या है, विरेचक है. इन उदर शूल इट इज गिवन विद रॉक सॉल्ट एंड अजमोदा. उदर शूल में इसके साथ देना है रॉक सॉल्ट के साथ, रॉक सॉल्ट के साथ और अजमोदा के साथ में. इन सन्निपातिक उदर टू रिलीव शूल एंड मलबद्धता द ऑयल इज गिवन विद कर्ड वाटर एंड मीट सूप एक्सेट्रा ठीक है. इन्हें सन्निपातिक उदर में रिलीव में एक पेदर्द हो रहा है और सन्निपातिक उदर रोग है उसमें दर्द है या मलबद्धता है तो इसके ऑयल को देना है या तो कर्ड वाटर के साथ में या फिर मीट सूप के साथ में. इन जलोदर हृदरोग यकृत यकृतोदर विकार और विकृति जन्य उदर रोग है कोई किस तरह का तो इसकी मूल इज गिवन फॉर विरेचन और हमको विरेचन करवाना है तो दंती की मूल का प्रयोग किया जाना होता है. इन दिस कंडीशन दंती मूल कल्प इज गिवन विद गुड़ ठीक है. तो कैसे देना है, दंती मूल कल्प को गुड़ के साथ देना है. इन कुष्ठ दंती तिव्रत एंड ब्राह्मी पाउडर गिवन विद मधु एंड घृत इन अर्श रोग है तो कुष्ठ में दंती कुष्ठ अगर आश में देना है तो कुष्ठ जो प्लांट है ठीक है सैसुरा लेपा दंती तिव्रत और ब्राह्मी पाउडर इनको मधु और घृत के साथ देना. इन आश सॉरी कुष्ठ रोग के अंदर आपको देना है दंती तिव्रत और ब्राह्मी पाउडर को मधु और घृत के साथ में. आश में तिव्रत पत्रक दंती पत्र चांगेरी चित्रक पत्र आर फ्राइड इन तेल एंड घृत एंड एडेड विद फैटी लेयर ऑफ कर्ड एंड ग्रेवी ठीक है. आश रोग में आपको तिव्रत पत्र के और दंती पत्र और चांगेरी और चित्रक पत्र इन सबको तेल में फ्राई करना है और फिर घृत और एड विद फैटी लेयर ऑफ कर्ड्स एंड गिवन ठीक है. आपको इस तरह से इसका प्रयोग करना है. मात्रा डोज मूल चूर्ण है 1 से 3 ग्राम तक देना है इसको. मूल चूर्ण दंती का 1 से 3 ग्राम तक आप दे सकते हैं. बीज तेल है 2 to 5 drops इसकी दी जा सकती हैं. बीज इसका 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं. औषधि योग फॉर्मुलेशंस दंतेरिस्ट इसका दिया जा सकता है एंड पुनर्नवा मंडूर में ये डलता है एंड अभियारिस्ट के अंदर भी दंती मूल डाली जाती है एंड कानकाइन बुटिका में भी दंती मूल का प्रयोग होता है.
दंती हरी की, ठीक है, इसका भी प्रयोग, इसके अंदर भी इसका प्रयोग होता है। एंड केशोर गुगलू, ठीक है, ये भी दंती का, दंती भी इसमें एक घटक के रूप में प्रयोग होता है। मैनी कल्प्स आर मेंशन इन चरक कल्प स्थान 12 चित्र, ठीक है, दंती के बहुत सारे जो कल्प हैं या यूँ कहें कि उसके जो फॉर्मुलेशन हैं वो 12 चैप्टर कल्प स्थान के अंदर वर्णित किए गए हैं, जो आप चरक संहिता में पढ़ते समय पढ़ेंगे। केमिकल कॉन्स्टेंट्स बी स्टेरॉल टर्पेनॉइड्स एंड रेजिनस ग्लाइकोसाइड्स एंड फॉर्बॉल एस्टर्स, दीज आर द केमिकल कॉन्स्टेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स एंड एडल्ट्रेशंस रूट बार्क ऑफ क्रोटन ऑब्लिगिफोलियस इट इज यूज एज सब्स्टिट्यूट स्पेशली इन साउथ इंडिया वेयर इट इज नोन बाय द नेम ऑफ नागदंती, ठीक है, इसकी रूट बार्क क्रोटन ऑब्लिगिफोरस इज यूज एज सब्स्टिट्यूट स्पेशली इन साउथ इंडिया वेयर इट इज नोन बाय नेम ऑफ नागदंती। इट्स बार्क इज रफ एंड थिक इंटरनली येलोइश एंड स्पॉटेड हैज कैम्फोरेस ऑर्डर। रूट्स ऑफ रेसिनस कम्युनिस लेने इज कॉमनली एडल्ट्रेशन एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स मच ब्रांच द नेचर एंड लॉन्गिट्यूडनल कॉरुगेशन ऑफ द सरफेस। शोधन काम प्यूरिफिकेशन मैच्योर्ड एंड ताम्रवर्ण ग्रेश ब्राउन रूट्स आर फेस्ड विद पिपली चूर्ण एंड मधु एंड कैप्ट इन कुश अगेन पेस्ट एंड मधु एंड फुटपाक इज डन देन ड्राइड इन सनलाइट एंड यूज। दिस इज द शोधन काम ऑफ दंती। क्या करना है, मैच्योर और ताम्रवर्ण की जो इसकी मूल है उनको लेना है, उसका पेस्ट करना है पिपली चूर्ण और मधु के साथ में और उसको कुशा में रखना है। अगेन पेस्ट एंड मड इन मड एंड फुटपाक इज डन, फिर उसके बाद उसको वापस पेस्ट करना है मड के साथ में और उसका फुटपाक करना है। दैन ड्राइड इन सनलाइट एंड यूज, उसके बाद उसको सनलाइट में सुखाना है और उसके बाद उसको यूज करना है। विश लक्षण ऑन एक्सेसिव डोज एंड यूज ऑफ अनप्यूरिफाइड ड्रग कॉजेज शोभ एंड मद लक्षण, ठीक है, शोभ हो जाता है मद लक्षण हो सकता है। चिकित्सा क्या करनी है, मधुर स्निग्ध द्रव्य शीर शुड बी यूज, ठीक है, मधुर स्निग्ध द्रव्यों का और शीर का यूज करना है। देन क्लासिकल रेफरेंस ऑफ भावप्रकाश निघंटू, भावप्रकाश निघंटू से अबाउट दंती, लघु दंती विशल्या चय साधु दुम्बर पर्णे अभी तथय अरण्य फला शीघ्र शयन घंटा गुणप्रिया वराह अंगी चय कथिता निकुंभश्च मुकुलक द्रवंती शंबरी चित्रा प्रत्यक पर्णयापि आकु पर्णयापि उपचित्रा श्रुत शोणी नय गोद्री चय तथा वृषा दंती द्वयम सरम पाकम रसे च कटुदीपनम गुदा अंकुर अश्मशूल अस्त्र कंडु पुष्ट विदाहनु तीक्ष्णो उष्णम हंति तास्त्र कप शोथ उदर कृमी। दिस इज रेफरेंस ऑफ भावप्रकाश निघंटू इन ऑल अबाउट दंती। इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस and you must read this topic and today's session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidya Peeth Women's Institute. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.